हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। और वहाँ पर हमने देखा कि मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किस तरीके से होती है, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अगर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स कंबाइन हो जाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। एक कैटेगरी हमने देखी कि अगर कंपाउंड कंपाउंड का कॉम्बिनेशन हो तब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है, ठीक है ना। और हमने देखा था कि अगर एलिमेंट और कंपाउंड हो, ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन से भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है, ठीक। और अभी तक जितना भी कुछ हम पढ़े हैं ना, वहाँ पर घुमा फिरा के हम एक ही टाइप के रिएक्शंस को देख रहे हैं, है ना। वो या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। सो वही वाला पार्ट। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने वाइट वॉशिंग वाला पार्ट भी किया था, है ना, जहाँ पर हम लोगों ने स्लेक लाइम की बात की थी, लाइम वाटर की बात की थी, ठीक। तो अब देखिए, जो नेक्स्ट मेरे पास टाइप है ना, उसे मैं बोलता हूँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी तक क्या था ना कि कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि तीन चार मेरे पास सब्सटेंस है ना कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। अगर अपनी भाषा में बोले तो चार पांच बंदे मिलकर एक बंदा बन रहा है ना। डिकम्पोजिशन मींस क्या है, सिंपली टूटना, ठीक है। और टूटेगा भाई साहब हीटिंग के इफेक्ट की वजह से, है ना। अब एक बंदा होगा, ठीक है, उसको अपन लोग हीट देंगे तो हीटिंग की वजह से वो ब्रेक होगा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन का ना प्योरली उल्टा है डीकम्पोजिशन, ठीक। देखिए, जो चीज़ें अभी हम हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 11th क्लास की केमिस्ट्री के लिए, ठीक। अगर आप 11th क्लास में साइंस पढ़ते हो, ठीक है, तो ये जो पार्ट अपन लोग कर रहे हैं ना, ये सब बहुत बेसिक वाला पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट हम लोग वहाँ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ डायरेक्ट PCl5 का डीकम्पोजिशन होता है ना, जैसे कि एक रिएक्शन हुई उसके बाद जो कहानी होती है ना वो चलती है। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है, स्टेट्स में कैसे हम लोग लिखते हैं, ये जो रिएक्शंस है कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, ठीक है, तो ये अपन लोग यही पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो वैरायटी होती है ना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अभी हम लोग इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर अपन लोग ऑर्गेनिक वाला भी देखते हैं, फिर बहुत सारे इसमें रिएक्शंस में टाइप्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल अपने लिए ना बहुत ही लिमिटेड है, है ना, कितना ज़्यादा हो सकता है ना, थोड़ा सा अपन लोग टच करेंगे उन सब चीज़ों को, ठीक, क्योंकि हम लोगों को ना थोड़ा बहुत सिलेबस से ऊपर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, सिलेबस में तो दिया ही हुआ है, सिलेबस के उतना आए तो ठीक है, है ना। लेकिन जैसे कि क्लास में भोकाल के लिए, आपका भोकाल हो, आप थोड़ा सा अलग देखो, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ दो चार बातें आपको एक्स्ट्रा पता हो, एक्स्ट्रा नॉलेज हो, तब आप कॉम्पिटिशन बीट कर सकते हो, ठीक। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव बुक को देखें ना, तो जितना अभी हम पढ़ेंगे ना, जिस दिन ये चैप्टर ख़त्म होगा उस दिन आपसे सारे कॉम्पिटेटिव वाले सवाल सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो हम लोग क्लास में कर चुके होंगे, ठीक। तो आपको थोड़ा बहुत फील आएगा कि भाई सब इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद ना, तब हमें कॉम्पिटिशन में जाना चाहिए, ठीक। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अभी अपनी हमने समझा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मुझे हीट देनी पड़ेगी, है ना, डीकम्पोज करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, ठीक। तो जब भी हीट एब्जॉर्ब होगी, तो मैंने पढ़ा था इस टाइप की रिएक्शन को मैं बोलता हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, वो सभी एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं, ठीक। अगर वहाँ पर आ जाए तो लिख सकते हैं, ठीक। या फिर जो रिएक्शन अभी तक हम कर रहे हैं ना, इन्हीं रिएक्शन को वो अनबैलेंस्ड करके बैलेंस के तौर पर पूछता है कॉम्पिटिशन वाला, ठीक है ना। या फिर जो जो रिएक्शन हम लोग क्लास में डिस्कस किए, इनके बारे में छोटी छोटी डिटेल्स पूछता है कि रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बना था तो उसका कलर क्या था, कौन सा प्रेसिपिटेट बना था, या फिर किस स्टेट में था, ठीक है, है ना। मुझे पता है कि हम लोग के पास सिलेबस फिक्स होता है, तो ऐसा नहीं कि दुनिया में अलग जगह से सवाल आ जाएगा, कहीं से भी सवाल आ जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता है। जितना हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, इसी से सवाल आएगा, है ना, इस बात की गारंटी है, ठीक। इसके बाहर भी नहीं आने वाला है। तो हम लोग देख रहे हैं जो नेक्स्ट पार्ट अपना है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे अपन लोग कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा बोल सकते हैं, ठीक। अब जैसे एग्जांपल्स की बात करते हैं, है ना, इसमें क्या होगा, हम लोगों ने सीख लिया कि भाई सब डीकम्पोज होगा, ब्रेक होगा, ठीक। कैसे, जैसे कि मेरे पास CaCU3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में है ये। अगर इसको अपन लोग हीट देना है ना, हीट दे, अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें और हैं। डीकम्पोज करने के लिए ना तीन तरीके के बंदों का यूज़ करते हैं हम लोग। पहला जो आदमी है उसे मैं बोलता हूँ हीट, मतलब कि हीट देकर गर्म करके
अपन लोग रिएक्शन करवा सकते हैं हीटिंग इफेक्ट में, है ना। थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं इस चीज़ को, हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हीटिंग की वजह से डिकम्पोज करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो अपन लोग इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू भी रिएक्शंस में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और ब्रेक करवाएंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला काफ़ी अच्छा फंडा होता है, इस पर हम लोग डिटेल से बात रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ना वो लाइट है, जो सन से लाइट आ रही है, या फिर जो मेरे पास आर्टिफिशियल बल्ब्स होते हैं वहाँ से जो लाइट आ रही है ना, इस लाइट से, ठीक है ना। बेसिकली लाइट वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम लोग फिजिक्स में कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये तीन तरीके से ना हम लोग डिकम्पोज करवा सकते हैं, ठीक है। हीट करके करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवा दे तब करवा सकते हैं, लाइट से करवा सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्यों, है ना, ये सब सारी बातें करेंगे हम लोग, ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहली कैटेगरी हम देखते हैं, जो आज अपन लोग करेंगे वो हीट वाला करेंगे, कि अगर भाई साहब हम लोग हीट देते हैं, अगर हीट की वजह से डिकम्पोज करवाते हैं तो कैसे कहानी होगी, ठीक। हम देखे थे कि हीट का सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा, ऐसे बनाते हैं इसे, हम क्या बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। तो हमने हीट किया भाई साहब यहाँ पे हीट, बाकायदा यहाँ लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर ये हीट होगा तो किस में टूट जाएगा, ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में और CO2 गैस के फॉर्म में, ठीक है ना, ठीक है। तो हाई स्कूल के लेवल तक अपन लोग ये स्टेट लिख रहे हैं जानबूझकर, ठीक है। आगे चल के अपन लोग ना लिखे फिर भी काम चल जाता है, लेकिन अपने लेवल पे अपन लोग सभी रिएक्शंस के स्टेट लिखते जा रहे हैं। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है ना, जितने भी 6 लेक्चर्स हो चुके हैं, उसमें सारे रिएक्शंस अपन लोग एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखे हैं, क्योंकि अभी हमें केमिकल इक्वेशन पे, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे स्ट्रेस देना है, ठीक है, एंड स्टेट के साथ लिखना है, ठीक है। आगे चल के इस सब चीज़ों को अपन लोग ना करें फिर भी काम चल जाता है, ठीक। तो अगर आप इसमें देखो, तो मेरे पास क्या, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं लाइम स्टोन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, कि जैसे होता है ना कि स्कूल का नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है, प्यार से कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से ना यहाँ पर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, हम जानते हैं कि इसका नाम एक कैल्शियम कार्बोनेट है, एक हम क्या बोल रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो नाम पता है ना, ये तो नाम सबको पता है, दुनिया वालों को पता है, ठीक है। लेकिन अपन लोग को ये भी ध्यान रखना है कि इसे अपन लोग लाइम स्टोन भी बोलते हैं, ठीक। तो इसमें काफ़ी यही चीज़ें प्रॉब्लम होती है कि एक के कई कई नाम होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम अभी तक आप लोग को याद हो जाना चाहिए, पिछले हम लोग 3-4 लेक्चर से रिएक्शंस यूज ही कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल लाइम, ठीक है। या फिर एक और इसका नाम है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। तो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट नाम्स होते हैं, और ये तो अपना कार्बन डाइऑक्साइड है ही सही। तो रिएक्शन में क्या हुआ, एक सिंपल बंदा था जो ऐसे ब्रेक हो गया अलग अलग फॉर्म में। अब देखो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना, वन कार्बन हो गया, कैल्शियम वन, थ्री ऑक्सीजन के एटम्स, टू और थ्री ऑक्सीजन के एटम्स, ठीक है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या फिर ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखें, और ऑल्सो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, कैसा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है ना। अभी लिखने वाला पार्ट हम लोग करेंगे, है ना, पहले हम लोग समझ लेते हैं। सेकंड हम देख रहे हैं ना, अब देखिए ये भी रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, कि अगर अपन लोग पोटेशियम क्लोरेट को हीट करें, KCLO3, इसे हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। इसको हम लोग हीट करते हैं, और ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि अपन लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं MnO2, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्या यूज़ करते हैं हम लोग, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ना, पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक नया वर्ड सुना, पॉजिटिव कैटलिस्ट, है ना, जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ ही करता है। इसका मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट भी हो सकता है जो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज़ करें, ठीक है ना। अब देखिए KCLO3 का यूज़ अपन लोग लैब में ना ऑक्सीजन गैस बनाने में यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मिलता मुझे 2 KCl पोटेशियम क्लोराइड एंड 3O2 ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये क्या हो गया, पोटेशियम ठीक है क्लोराइड,
ठीक ये चीज़ देखिए, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, टू पोटेशियम के एटम होगा Cl के टू, 3 2 6 एंड 3 2 6, ठीक। तो ये भी एक रिएक्शन क्या हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। हम लोग को डिफरेंट एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, ठीक है। इस वजह से अपन लोग लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स कर रहे होते हैं, तो आपको कम से कम एक दो याद रहे, है ना, एग्जाम तक, तब भी बहुत बड़ी बात है। तो ये भी एक क्या हो गई भाई साहब, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कैसी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये सब जो आपने चैप्टर पहला है ना, ये बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है, जो कि बेसिक है ना, ये अच्छे से आएगा ना, तो 11th क्लास में बहुत अच्छे समझ आने वाला है, क्योंकि 11th क्लास में ना थोड़ा बहुत अपन लोग आइडिया लेंगे। हम लोग इसके वेट की बात कर रहे होते हैं भाई साहब, कितने ग्राम KCl3 लिया गया तो कितने ग्राम KCl बनेगा, है ना, या फिर कितना वॉल्यूम O2 का बनेगा, तो ये सारी बातें अपन लोग कर रहे होते हैं। मोलर कैलकुलेशन की बात करते हैं वहाँ पे हम लोग, ठीक है। अभी तो हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइप देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, ठीक। एक रिएक्शन हम लोग और देखते हैं हीटिंग की वजह से, पहले थोड़ा सा लिख लिया जाए, ठीक। थोड़ा सा अगर हम लोग लिख लें, हेडिंग लिखिएगा पहले, है ना, आपको पता है जो लोग लगातार लेक्चर्स देख रहे हैं उन्हें तो पता ही कि अपन लोग प्रॉपर नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, साथ साथ लिख भी रहे हैं, क्या स्टाइल है पढ़ने की वो सब पता है ना। अब जो रैंडम वीडियो पिक किया है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हेडिंग लिखिएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखते हैं हम लोग, दोज रिएक्शंस इन विच, ठीक है, लिखना स्टार्ट करिए, दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स, दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इंटू टू और मोर, अप इंटू टू एंड टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है ना, आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक। एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, फिर से बोलो, ठीक लिखिए, आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो थोड़ा सा बातें करते हैं हम लोग, फिर और देखते हैं। तो ये सब कांड हुआ, ठीक ठीक है ना। अभी तक जितना भी हमने देखा ना, अभी और एग्जांपल्स करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, हीटिंग की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो इस वजह से इन रिएक्शंस को अपन लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये वर्ड भी यूज़ होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है सिंपली कि भाई साहब हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हुआ, क्योंकि हम जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी हो सकता है, लाइट की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। सो ये दो पार्ट अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक। फिलहाल इसका मतलब ये सब क्या है, इन सभी रिएक्शंस को, अभी जो हम और भी करने वाले हैं, इनको हम बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ये क्या है बेसिकली, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक, थर्मल डिकम्पोजिशन। सो अभी इसको लिखने से पहले ना एक पॉइंट और लिखेंगे हम लोग, जितना लिखा है ना उसके नीचे एक पॉइंट और लिखिए, when a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक। तो आगे चल के ना 12th क्लास में ये थर्मल डिकम्पोजिशन एक बहुत ही बड़ा आदमी बन जाता है, ठीक है, और इसको लेकर कॉम्पिटिटिव वाले बहुत ज़्यादा इसको छेड़ते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से अच्छे से सवाल आते हैं, ठीक। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप लोगों ने हाई स्कूल में ही नाम सुन लिया थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना, नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 12th क्लास तक पता ही नहीं होता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन जैसे कोई चीज़ होती है ना, जैसे कि हम लोग थे, ठीक। चलिए तो इतना लिख लिया ना, अब पहला एग्जांपल लिखेंगे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट वाला, ठीक, पहला एग्जांपल लिख लीजिए एंड सेकंड एग्जांपल ये, ठीक। और इसके आगे अपन लोग दोनों क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंड इनको मैं क्या बोल सकता हूँ,
थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। सो ये दो एग्जांपल वीडियो पॉज करके काम करिए और इस तरीके से आप लोग एरो शो करके दिखा सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट अभी नहीं करना है, ये तो बस देखने के लिए है, ठीक है ना। लिख लिया, वीडियो पॉज करके लिख लो भाई साहब, ठीक है। इतना लिख लिया, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसमें और कुछ देखते हैं। एक डिकम्पोजिशन और मेरे पास है, ठीक। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, लैब में आप लोग करोगे भी। मेरे पास एक कंपाउंड है ना, जिसे मैं बोलता हूँ फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O, ठीक है। इसका नाम है फेरस सल्फेट, हेप्टा हाइड्रेट, क्या बोलते हैं हम लोग, फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में तो आपको नाम ध्यान ही रखना पड़ता है, नाम याद ही रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का, ठीक है ना। बेसिकली ये मेरे पास ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है, एक ग्रीन क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, ग्रीन क्रिस्टल। अब यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट है, जो ये लिखा है ना, क्यों लिया वाला पार्ट निकाल लें हम लोग, 7H2O, ठीक। इस 7H2O को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। इस वाले केवल पार्ट को ना 7H2O को मैं बोलता हूँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो अब से एक नया पॉइंट और जुड़ गया हमारी ज़िंदगी में, कि जब भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वर्ड यूज़ होगा ना, इसका मतलब ये कि कोई कंपाउंड होगा और उसमें जो डॉट के बाद वाटर वाला पार्ट है ना, उसे मैं क्या बोलता हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही ना ये बंदा कैसा है, ग्रीन क्रिस्टल के फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए, अब रिएक्शन क्या है उस पर हम लोग आते हैं, ठीक। हेप्टाहाइड्रेट का मतलब ये कि 7H2O है। पहले ना इसको हीट करते हैं हम लोग, ठीक, FeSO4.7H2O, ठीक, यहीं पे दिखा देते हैं हम लोग। इस चीज़ को जब हीट करते हैं ना, तो यहाँ से वाटर निकल जाता है एंड ये बचता है केवल FeSO4, क्या बचता है, FeSO4, ठीक। इसे हम बोल रहे हैं फेरस सल्फेट, इसके भी कई कई नाम हैं, एक तो नाम यही है फेरस सल्फेट, ठीक है ना। अब वो नाम जो पता होना चाहिए, या फिर इसको हम बोलते हैं आयरन सेकेंड सल्फेट, ठीक है ना, दूसरा नाम। तो ऐसा भी लिखा आ सकता है कि आयरन सेकेंड सल्फेट, इसका मतलब क्या है, FeSO4, ठीक है। अब ये सेकेंड सल्फेट की क्या बला है, इसको भी देखते हैं हम लोग इधर वाले पार्ट में। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप देखो ना, तो अभी एक पार्ट है जो हम लोग करेंगे आगे चल के ना, जैसे कि चार्ज की बात होती है, तो मुझे पता है कि जो एस ब्लॉक में फर्स्टे वाले ग्रुप के एलिमेंट हैं उनके ऊपर +1 चार्ज होता है ना, मतलब उनकी वैलेंसी 1 होती है, बचपन से जानते हैं हम लोग। और जो सेकेंड डे ग्रुप होता है, मतलब कि ग्रुप सेकेंड, वहाँ पर वैलेंसी 2 होती है, ठीक। लेकिन जो डी ब्लॉक वाली कहानी है ना, जो डी ब्लॉक के बंदे हैं, ये लोग काफ़ी बदतमीज टाइप के हैं, ठीक है। ये लोग वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक। हो सकता है कि कोई बंदा 2 भी शो कर रहा हो, 3 भी शो कर रहा हो, कोई तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी शो करता है, ठीक। तो ये वहीं से कुछ कहानी है कि अगर एफ ई पे अगर 2+ चार्ज है, दरअसल एफ ई वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा होता है ना, एफ ई 2+ भी होता है, एफ ई 3+ भी होता है, ठीक है ना। अगर एफ ई 2+ वाला कंपाउंड है ना, तो उसको हम बोलते हैं अस, वहाँ से अस लिखते हैं। अगर 3+ मतलब कि मोर नंबर वाला है, तो क्या बोलते हैं हम, इक, वहाँ से इक वाला बनता है, ठीक। इस वजह से जो मेरे पास FeSO4 है, तो Fe पे 2+ चार्ज है, ठीक है, एंड SO4 पे 2- चार्ज है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि इस तरीके से बनता है मेरे पास Fe2+ SO4 2-। हमने पढ़ा था कि भाई साहब ये इसके कदमों में आ जाता है और ये इसके कदमों में, क्या चीज़, मैग्नीट्यूड। तो कायदे से तो मुझे ये होना चाहिए था ना, Fe2SO4 का होल ट्वाइस, ठीक। तो बेसिकली ये मेरे पास मॉलिकुलर फॉर्मूला है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ ना, तो मेरे पास क्या बचेगा, FeSO4,
ठीक है ना। बेसिकली इसे मैं बोलता हूँ मॉलिकुलर फार्मूला, क्या चीज़, मॉलिकुलर फार्मूला। इसे हम बोलते हैं इम्फीरिकल फार्मूला, क्या चीज़, इम्फीरिकल, इम्फीरिकल फार्मूला। तो बेसिकली वो हमारे पास इम्फीरिकल फार्मूला लिखा है, ये भी हम लोग के लिए नई बात है, ठीक है, जो 11th पढ़ते हैं हम लोग, तो ये नोट करके आप लिख सकते हो, क्या चीज़, नोट करके। तो हमने ये समझा ना कि अगर अस का मतलब क्या है, सेकेंड वाला, एक का मतलब क्या, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। अब देखिए, अब मेरे पास क्या होता है, काम क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास FeSO4 है, फेरस सल्फेट, ठीक है। बेसिकली ये कहानी होता है, ठीक है, लेकिन सिंप्लीफाई के लिए अपन लोग केवल FeSO4 लिख देते हैं और बोलते हैं कि हम लोग ये ग्रीन कलर का मेरे पास है, ग्रीन क्रिस्टल है, ठीक है ना। और बेसिकली ग्रीन क्रिस्टल किसकी वजह से हो रहा है वो हम जान रहे हैं कि ये .7H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ये ग्रीन कलर का है, ठीक है। अब इसकी हीटिंग देखते हैं हम लोग, इसको जब हम हीट करते हैं ना, तो भाई साहब इसका ऑक्साइड बनता है, किसका, आयरन का ऑक्साइड, ठीक। इसी में एक कहानी और ऐड कर लो भाई। अब जैसे मुझे पता है कि भाई साहब है ना, आयरन का 3+ वाला भी होता है, इस पर 2- चार्ज होता है। बेसिकली यहाँ पे ना आयरन का थर्ड ऑक्साइड बनने वाला है, तो उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, इस पर 2-, ठीक। तो मैंने पढ़ा ये इसके नीचे आता है, ये इसके नीचे आता है, मतलब कि Fe2O3 बनने वाला है, क्या बनने वाला भाई साहब, Fe2O3, ठीक है। इसे हम बोलते हैं है ना आयरन ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड है ये, ठीक है। हम इसका नाम बोलते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड, क्योंकि Fe यहाँ पर 3+ चार्ज में ना, 3 वाली वैलेंसी की फॉर्म में, ये चीज़, ठीक है ना। तो क्या बनने वाला है, यहाँ से बनता है मेरे पास आयरन ऑक्साइड, है ना, Fe2O3 सॉलिड के फॉर्म में, प्लस हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू SO2 गैस मिलती है मुझे एंड SO3 गैस मिलती है मुझे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ठीक। और हम बोल देते हैं कि भाई साहब ये जो है ना, इसे हम बोल रहे हैं आयरन सेकेंड सल्फेट, ठीक है, या फिर फेरस सल्फेट, या फिर फेरस सल्फेट, ठीक है ना। एंड ये मेरे पास कैसा है, ग्रीन क्रिस्टल के फॉर्म में, ग्रीन क्रिस्टल, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए आपको बुक्स में यही मिलेगा, ठीक। मेन कहानी हम वहाँ समझ चुके हैं कि ग्रीन क्रिस्टल 7.2 की वजह से हो रहा है, ठीक है। और बेसिकली FeSO4 ना ये वाइट के फॉर्म में होता है, कैसा होता है, वाइट होता है, ठीक। ये मेरे पास बन गया यहाँ से फेरिक ऑक्साइड, इसे हम क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर Fe3 स्टेट वाले में है। या फिर दूसरा नाम क्या हम बोल रहे हैं इसे, आयरन, ठीक, थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है, ये वाला, ये चीज़। और क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, ठीक। तो ये जो रिएक्शन है ना, अब इस रिएक्शन में कंपटीशन में है ना, हाई स्कूल में कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई साहब जब ये रिएक्शन हुई थी, जब फेरस सल्फेट को हीट किया गया था तो ऑक्साइड बन रहा था, ठीक है। एंड ये ऑक्साइड मेरे पास ब्राउन कलर का बनता है, कैसा, ब्राउन, ठीक है। तो आयरन सल्फेट का क्रिस्टल किस कलर में था, ऑक्साइड बना तो उसका कलर क्या था, ठीक है, और कौन कौन से बने प्रोडक्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मीन्स क्या है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक। तो पहले आप क्या करो, आप लिखने में सबसे पहले इसको लिखोगे आप, ठीक है, ये अपना थर्ड एग्जांपल है, ठीक है। तो पहले इतना पार्ट लिख लो, ये थोड़ा सा अलग है, ये चीज़ मेरे पास इतना अलग है, ठीक। इतना लिखने के बाद आप नीचे आ जाओ, पहले उसको लिखना है, पहले इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, ठीक है, फिर नीचे नोट करके ना इसको लिखना है, ठीक। इतना लिख लिया, तो वीडियो को पॉज करो, और पॉज करने के बाद इतना लिख लिया, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो इतना लिख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए, इतना लिखने के बाद हम लिखते हैं थोड़ा बहुत इस रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन में कुछ लिखने की जरूरत वैसे है नहीं अभी, ठीक है।
तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, जितनी बातें बता दें उतना काफ़ी है, ठीक। तो यहाँ पर क्या बात है, कुछ बात हम इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे कि बेसिकली FeSO4 वाइट कलर का होता है, ठीक है, लेकिन अपन लोग ग्रीन कलर का क्रिस्टल लैब में यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लिख देते हैं ग्रीन क्रिस्टल, ठीक है। वो किसकी वजह से हो रहा है, 7H2O की वजह से, ठीक, लिख लिया इतना। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ पार्ट देख लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास सिलेबस में एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, NCERT में गिवन है, आप लोग एक्सपेरिमेंट करे होगे तो आप लोग देखना। अगर अपन लोग इस तरीके से यूज़ कर लेना, एक रफ डायग्राम देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें कलाकारी नहीं करनी है। ये मेरे पास क्या हो गया, बर्नर हो गया, बर्नर, ठीक है। देखिए, डायग्राम बनाना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना, जिससे आपको लगे कि भाई साहब डायग्राम सही हमने पढ़ा है, ठीक है, इस वजह से अपन लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरे पास क्या हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गई, ठीक है ना, एंड यहाँ से अपन लोग जो भी है ना, हुक लगा सकते हैं ना, टोंग लगा सकते हैं इसको पकड़ने के लिए। ये अपना क्या हो गया, बॉयलिंग ट्यूब, यहाँ पर अपन लोग बॉयल करते हैं, बॉयलिंग ट्यूब है ना। ट्यूब हम लोग की ड्राई होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि ट्यूब में जो वाटर है ना वो रिएक्शन ना करे, तो ये ड्राई। अब यहाँ पर क्या पड़े हैं मेरे पास, यहाँ पर भाई साहब फेरस सल्फेट के ग्रीन क्रिस्टल पड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या है, FeSO4 फेरस सल्फेट का ग्रीन क्रिस्टल, ए ग्रीन के फॉर्म में, ठीक है, ये चीज़। जैसे जैसे अपन लोग हीट करते हैं ना बर्नर के थ्रू, तो यहाँ से गैसें निकलना स्टार्ट जाती हैं, गैस निकलना स्टार्ट, ठीक है। अब ये गैस मुझे पता है कि ब्राउन कलर की मिलती है, ब्राउन गैस मुझे दिख रही है, ये ब्राउन गैस है ना। साथ ही साथ इस गैस में क्या क्या है, एक तो ऑक्साइड मेरे पास है, एंड सेकेंड SO2 गैस है, एंड SO3 गैस है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो बकायदा एक्सपेरिमेंट हमारे पास है, आप लोग कर सकते हो लैब में, ऐसे ग्रीन क्रिस्टल लेंगे, हीट करेंगे तो मुझे गैस मिलेगी, एंड गैस ब्राउन कलर की मिलती है, ठीक है, ये फंडा। तो इसको आप लोग ऐसे लिख लो, ठीक है, जो इतना लिख लिया था हमने, इसके बाद आप लोग डायग्राम बना लें, ठीक है, एक रफ डायग्राम देख रहे, ठीक है, NCERT में आपको डायग्राम दिखेगा। सो जिससे कि आपको ये रहे ना कि क्लास में फीलिंग कि आप लोगों ने डायग्राम भी कर रखा है, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद अपन लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसे अपन लोग होल्डर बोल देते हैं, होल्डर, बेसिकली होल्डर है, ठीक, लिख लिया, ये ग्रीन क्रिस्टल, क्रिस्टल की स्पेलिंग संभाल लेना आप लोग, ठीक। तो इतनी काम करने के बाद इसका मतलब कि ये मेरे पास क्या थी, एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी क्या है, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो उसके आगे कि भाई साहब ये भी मेरे पास एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है ना, और बेसिकली ये भी एक मेरे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कैसा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने हीट एब्जॉर्ब कराया है, सही। तो एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे यहीं पर, फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इतना कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, अब देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है ना उसको करते हैं। ये तो डायग्राम बनाने के बाद रफ करने का मन नहीं करता है ना, काफ़ी अच्छा दिखता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसी टाइप से एक और रिएक्शन मेरे पास होती है, अपना फोर्थ लास्ट रिएक्शन, ठीक, क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए, इससे पहले हम लोगों ने लेड नाइट्रेट की एक रिएक्शन देख रखी है, ठीक है। तो ये भी कुछ उसी टाइप से रिएक्शन है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट, ठीक है, ये सॉलिड के फॉर्म में, इससे पहले हमने देखा था कि एक्वस के फॉर्म में था और KI के साथ मिक्स करके अब उन लोग का रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, ठीक, स्ट्रांगली हीट करते हैं इस चीज़ को। सो हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट,
ठीक है, PbNO3। अब बेसिकली ये क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन है, तो सबके ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है ना, Pb का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ना, और ऑक्सीजन, ठीक। तो कैसे बनेगा हम देखते हैं, PbO, ठीक है, लेड ऑक्साइड प्लस NO2, लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैस के फॉर्म में है, ठीक है, प्लस O2G, है ना, जी ऐसे लिखते हैं। सो ये मेरे पास क्या है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ठीक है, जो कि कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। मेरे पास बन गया लेड ऑक्साइड, या फिर हम इसको बोलते हैं अच्छे से लेड मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन है तो लेड मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो मेरे पास येलो कलर का होता है ना, येलो कलर से लिखता हूँ, ये कैसा है, येलो कलर का। अब ये मेरे पास PPT के फॉर्म में भी है, ठीक, येलो कलर का होता है। अच्छा, फिर मेरे पास बन रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इसे लिखते हैं हम लोग, देखिए नाम लिखने की वैसे कोई जरूरत है नहीं, आपको पता है, लेकिन एक बार लिखने के लिए लिख देते हैं ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ना, ये मेरे पास ब्राउन फ्यूम होता है ना, जैसे कि फ्यूम का मतलब धुआं, जैसे धुआं देखा है ना वाइट कलर का होता है, तो ये ब्राउन धुएं की तरह निकलता है, ठीक है, तो इसको मैं ब्राउन कलर से लिख रहा हूँ कैमरे में, अगर आप लोग को दिख पाए तो। ये कैसा होता है, ब्राउन, यहाँ पर ब्राउन फ्यूम्स मिलती हैं, फ्यूम्स का मतलब धुआं होता है, ठीक है ना, ब्राउन फ्यूम्स, एंड वो क्या मेरे पास है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये चीज़। सो अगर अपन लोग का ये भी क्वेश्चन होता है, कॉम्पिटिशन वाले उठाते हैं कि भाई साहब अगर लेड नाइट्रेट की हीटिंग करते हैं तो कलर क्या था, कौन सा ऑक्साइड बना, तो लेड मोनोऑक्साइड बना, कलर क्या है इसका, येल्लो है ना, तो अपने लेवल पर ना कलर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी कहीं पर कलर आएगा ना तो उसे मुझे ध्यान में रखना होगा। एंड NO2 का क्या है, ब्राउन फ्यूम्स में बन रहा है, ठीक, इससे पहले की रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी कि नहीं, है ना, उसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब देखो ये भी एक बैलेंस्ड नहीं है, तो अगर मैं इसे बैलेंस करूँ तो 2, 2, 4, ठीक है, देखिए सही है, 3, 2, 6 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो 3 यहाँ पे हो गया, देखते हैं, देखिए 2 लेड हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, 2, 8, 10, 16, ठीक है, 3, 2, 6 एंड ये 12, ठीक है, तो इसको अगर हम हटा दें तो कितना बचेगा, 4, 2, 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, 16, ठीक है, 4 नाइट्रोजन एंड 2 ये वाले एंड ये 2, 4 नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, 3, 2, 6, 2, 12 ये हो गया 2 Pb, ठीक है, तो ये मेरे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। तो अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने शायद बैलेंस नहीं लिखा था, तो उसको आप लोग लिख लेना कि मेरे पास क्या था, FeSO4 था ना, इसको हम लोगों ने हीट किया था, सो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है, गैस सॉलिड 2, ठीक, तो ये 2 हो गया, सल्फर को मुझे 2 चाहिए तो 2 से कर लिया, 4, 2, 8 तो 2, 2, 4, 4, 3 कितना हो जाएगा, 7 एंड 7, 3 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं करूँ 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, मुझे पता है कि हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ता है, तो अपन लोग अगर देखें यहाँ पर Fe2 है तो 2 से किया, ठीक है, सल्फर 2 हो गया तो मैंने वहाँ 2 से किया, ठीक, तो 2, 2, 4 हो गया, 4, 2, 8, 4 और कितना, 3, 7, 7, 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको छोड़ दूँ, इसको करना ही पड़ेगा, अब देखते हैं, ठीक है, तो ये पार्ट अभी हम देख रहे हैं बैलेंसिंग वाला, ठीक, तो इस तरीके से मेरे पास क्या हो गया, ये सेटअप, ठीक है, इसका सेटअप भी हम देख सकते हैं सेम मैनर में, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए हम लोग, तो इसको भी आप चाहो ना यहाँ पे कर लो, अगर हम लोग सेम मैनर में इस तरीके से यूज करें, एंड ये मेरे पास क्या हो गया, बर्नर हो गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे दिखा दे रहे हैं हम लोग, ठीक,
एंड हम लोग टेस्ट ट्यूब यूज़ किए। ठीक, अब यहाँ पर मेरे पास क्या रखे हैं, कलरलेस लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल डिवाइस। ठीक, एंड मेरे पास ये क्या हो गया, बर्नर हो गया। ठीक, अब देखिए हीट करने पे क्या हो रहा ना, यहाँ से फिर मेरे पास फ्यूम्स निकल रही हैं। कैसा मिलता है मेरे पास, ब्राउन फ्यूम्स ये दिखता है मुझे। ठीक है, एंड अपना फिर से यहाँ पर इस फॉर्म में आप लोग लगा लेना कि भाई साहब ये क्या हो गया, ये हो गया होल्डर। ठीक, तो ये चीज़। ठीक, तो इतनी बात हम लोगों ने रखी। ठीक है, सही। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि मेरे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, अच्छा, डीकम्पोजिशन में भी हम लोगों ने कई सारे पार्ट देखे कि अगर हीटिंग की वजह से डीकम्पोजिशन हो सकता है, लाइट की वजह से भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, सो हम लोगों ने पहला पार्ट देखा कि अगर हीटिंग की वजह से डीकम्पोजिशन होता है तो उसके किस तरीके से एग्जांपल्स है और कैसे मुझे समझना है। ठीक है, कैसे रिएक्शंस को देखनी है, और ये सभी रिएक्शंस क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, एंड हम इन्हें क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, तुम फालतू परेशान हो रहे थे, है ना, अभी देखिए पहले से ये। ठीक, चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ना डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होती है। ठीक, और फिर पढ़ेंगे लाइट की वजह से, है ना। आज का वीडियो थोड़ा सा स्लो था, है ना, थोड़ा मैं स्लो बोल रहा था, तो इसे आप लोग फॉरवर्ड करके देख सकते हो। ठीक, तो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय।